mathhimath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 4.1. The statement of this question is 3 into 2x minus 1 is equal to 5 into x minus 1. यहाँ जो वेरिएबल x है, x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो ये 3 को हम इन दोनों के साथ, दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा. 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आ जाएगा. इसी तरह से यहाँ 5 भी इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ गया. 5 जब इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 आ जाएगा. अब यहाँ पे ये जो माइनस 3 है, इसको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास प्लस 3 आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 प्लस 3. ये प्लस 3 इधर आ गया. नेक्स्ट यहाँ पे ये 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 5x माइनस 5 प्लस 3. यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा. 5x यहाँ पे प्लस का है, इसको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 2. 6x माइनस 5x इज इक्वल टू x, तो ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x था तो x की वैल्यू को ही हमने फाइंड आउट करना था. इस तरह से x इज इक्वल टू 2 हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.